मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जनता की 13 सूत्रीय मांगों को लेकर बरकटा के पूर्व विधायक जानकी यादव चलकुसा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष लगातार 13 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। बरकट्ठा के चलकुसा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव के नेतृत्व में 13 सूत्री मांगों को लेकर 13वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। आंदोलनकारियों ने मुख्य मांगों में चलकुसा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को जल्द से जल्द शुरू करने, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पठन पाठन शुरू करने, चलकुसा पावर सब स्टेशन को चालू करने और पलामा मोड़ से केसरवरिया तक PWD से पथ निर्माण, इन सभी योजनाओं को मार्च 2020 तक पूरा करना था, लेकिन ये योजनाएं अब तक नहीं पूरी हुई हैं। इन कई मांगों के साथ लगातार धरना जानकी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चल रहा है, लेकिन प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रही है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के अधिकारी इस तरह से निरंकुश हो गए हैं कि जनप्रतिनिधियों की बातों को वो लगातार अनसुना करते जा रहे हैं, और ऐसे में क्षेत्र की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से बरकट्ठा विधानसभा के चलकुसा प्रखंड के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में इनका जीना दुभर हो गया है। बारिश के इस मौसम में इन तीनों मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों के जनजीवन को काफ़ी अस्त व्यस्त देखा जा सकता है, और ऐसे में पूर्व विधायक जानकी यादव लगातार अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, और ये धरना 13वें दिन तक भी लगातार जारी है। ऐसे में अधिकारियों के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों के ऊपर किसी तरह का प्रभाव न होना इनकी निरंकुशता को दर्शाता है। ऐसे में जनता का क्या भला होगा। यहाँ की जनता का जो भारी अपार समर्थन मिल रहा है, उनकी ज्वलंत मुद्दे जो है वो जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। आज पानी शुद्ध किसको नहीं चाहिए, बिजली किसको नहीं चाहिए, शिक्षा किसको नहीं चाहिए, सड़क किसको नहीं चाहिए, स्वास्थ्य हॉस्पिटल सामने बना हुआ है, यहाँ का डॉक्टर दूसरे जगह चला गया, यहाँ डॉक्टर नहीं आया है, डॉक्टर का कमी है। और जो बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में इतना व्याप्त भ्रष्टाचार है, चाहे वो किसी भी अंचल में चले जाइए, वहाँ पर रसीद काटने का अलग फिक्स है, दाखिल खारिज का अलग है। प्रखंड में जो गरीब का जहाँ आवास बनना चाहिए वहाँ तो तल्ला पर 3 तल्ला बन रहा है, वो गरीबों का नाम उसमें नहीं जोड़ा गया है, उसका नाम जोड़ा जाए। और इस तरह से आपका जो कई सवाल है, यहाँ अकाल सुखाड़ क्षेत्र घोषित है, उसको राशि नहीं मिला है, राहत कार्य चलाया जाए, तालाब कुएँ चेक डैम का निर्माण करवाया जाए, ये ज्वलंत मुद्दे हैं जो जनता से सीधे हाथियों के द्वारा जो भारी नुकसान किया गया है उसका मुआवजा कैंप लगाकर वन विभाग दे। और इस समस्या को लोग समर्थन कर रहे हैं, और समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हम वाजिब लड़ाई तक हैं, और हमने इन लोगों को आज विश्वास दिलाया है, हम लोग पर पूरा विश्वास है, इन्हीं लोगों ने बैठाया है हाथ उठा के, और इन लोग जब तक नहीं कहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इस धरना स्थल से उठने वाला। मुखर संवाद के लिए बरकट्ठा से ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।